9 अप्रैल चैत्र मंगलवार के दिन कर लीजिएगा ये एक छोटा सा रामबाण उपाय, आपका हर दुख दर्द खत्म हो जाएगा। हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होगा कि फिर आपके घर में कभी धन की कमी होगी ही नहीं, बल्कि धन की वर्षा निश्चित ही शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, जब आप सभी को 9 अप्रैल यानी कि नवरात्रि की शुरुआत ही मंगलवार के दिन से हो रही है, और इतना ही नहीं अष्टमी भी मंगलवार के दिन ही पड़ रही है, यानी कि 16 अप्रैल को अष्टमी है और उस दिन भी मंगलवार का दिन ही पड़ने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत मौका है आप सभी के लिए, जब आप अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अष्टमी का दिन यानी कि कन्या पूजन का दिन, और आप सभी को ये बात तो पता ही होगी कि हमारे हिंदू धर्म में मंगलवार और नवरात्रि की अष्टमी का कितना ज्यादा महत्व होता है। और आज जो उपाय मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ वो नवरात्रि के पहले दिन जो कि मंगलवार से ही शुरुआत हो रही है उस दिन कर सकते हैं, या फिर 16 अप्रैल को यानी कि अष्टमी के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी नवरात्रि व्रत ना रख पाए, पूजा पाठ ना कर पाए, लेकिन अगर उसने कन्या पूजन सही तरीके से कर लिया, सही उपाय कर लिया, तो उसे पूरे व्रत का और पूरे पूजा पाठ का फल उस दिन मिल जाता है। और दोस्तों 52 साल के बाद ऐसा संयोग बनने जा रहा है जब नवरात्रि का पहला दिन और अष्टमी दिन दोनों मंगलवार तिथि के दिन पड़ने जा रहा है, तो ये अपने आप में ही धर्म शास्त्र के हिसाब से बहुत ही खास दिन बन जाता है। और मंगलवार के दिन 16 हर तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, मतलब कि आपकी कोई भी पूजा साधना क्रिया इस दिन आप करते हैं तो साक्षात आपको माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी के साथ ही हनुमान जी महाराज का वरदान भी आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है, और आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट समस्याएं हर प्रकार का दुख दर्द बिल्कुल खत्म होकर आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, सिद्ध हो जाते हैं। तो अब मैं आपको उपाय बताना शुरू करूं, उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि जरूर लिख दीजिए, ताकि इस नवरात्रि के समय आपकी राशि के अनुसार आपकी कुंडली में जो भी उपाय बनता पड़ेगा वो मैं कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगी, उन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो मंगलवार का दिन अपने आप में ही बहुत खास होता है, क्योंकि ये दिन संकट मोचन हनुमान जी को ही समर्पित होता है। हमारे धर्म शास्त्र में, ग्रंथों में, प्राण प्रतिष्ठाओं में साफ साफ ये चीज लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी का मंगलवार को नियमित रूप से पूजा पाठ कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में दुख परेशानी कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्त के संकट को हर लेते हैं, इसलिए इनका नाम ही संकट मोचन पड़ा है। दोस्तों धर्म शास्त्र में मंगलवार को एक चमत्कारी दिन बताया गया है। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन कोई भी व्यक्ति अगर हनुमान जी के शरण में जाता है, थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, तो हनुमान जी महाराज उस व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा से भी तुरंत प्रसन्न होकर उसको पूरा फल देते हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज जागृत अवस्था में इस दिन होते हैं, चैतन्य अवस्था में होते हैं, मतलब मंगलवार के दिन की गई कोई भी पूजा साधना क्रिया अवश्य ही लाभ प्रदान करती है। देखिए दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप मंगलवार के दिन कोई भी पूजा कर सकते हैं, उपाय करते हैं, तो आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आप सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा और कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि चैत्र मंगलवार या बड़ा मंगलवार ये अपने आप में ही खास दिन होते हैं। इस दिन अगर आप सही तरीके से कोई भी उपाय करते हैं तो तुरंत ही आपको लाभ प्राप्त हो जाता है, चाहे समस्या कोई भी हो, संतान प्राप्ति हो या कर्ज मुक्ति हो या धन प्राप्ति हो या वैवाहिक जीवन शादी विवाह नहीं हो रहा, घर में कलेश हो रहा है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, या फिर कानून से जुड़ी हुई कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ही क्यों ना हो, हर समस्या का निदान इस चैत्र मंगलवार के दिन आप सभी को कर लेना है। अब मैं आप सभी को उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। देखिए, चैत्र मंगलवार मतलब कि 9 अप्रैल 2024 और 16 अप्रैल 2024 को आपने अपने जीवन में 2 या 4 मिनट निकाल करके इन उपायों को जरूर कर लेना है। सबसे पहला उपाय बहुत ही सरल सा ये उपाय है, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर में बरकत शुरू हो जाएगी। कई बार होता क्या है कि कुछ लोग हमसे जलते हैं और वो हमारे घर का बंधन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे परिवार में कोई भी उन्नति नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है,
चैत्र मंगलवार के दिन आप अपने घर के आसपास में किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाना। वहां पर हनुमान जी के सामने बैठकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना। वहां पर आपको हनुमान जी को थोड़ा सा सिंदूर भी दान करना है और उसी सिंदूर को जो दान किया हुआ है थोड़ा सा सिंदूर बचा करके अपने घर वापस लेकर आना है। अब आपको क्या करना है, इस बचे हुए सिंदूर से आपको स्वास्तिक का निशान अपने घर के बाएं तरफ बना देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर ये उपाय आप सभी ने चैत्र मंगलवार के दिन कर लिया तो आपकी घर की जो उन्नति रुक चुकी थी, आपके परिवार में बरकत रुक चुकी थी, वो वापस शुरू हो जाएगी। घर में इतनी उन्नति आएगी, इतना पैसा आएगा, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल घर से दूर हो जाएगी, घर के कलेश खत्म हो जाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा का वास होने के साथ ही माँ लक्ष्मी खिंची चली आएगी। दूसरा उपाय भी ध्यान से सुनिएगा, ये एक ऐसा उपाय है जिसे अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो वो रोग से मुक्त हो जाता है। फिर चाहे कोई भी कैसी भी छोटी या बड़ी कोई बीमारी क्यों ना हो, ला इलाज बीमारी जिसमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी एक बार मेरे कहने पर ये उपाय आपको जरूर करना है। क्या करना होगा, चैत्र मंगलवार के दिन आपको सुबह में नहाना धोना है, लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल वस्त्र धारण करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के मंदिर जाना है। केसरिया बूंदी का लड्डू ले जाइएगा और इसी बूंदी के लड्डू के साथ में आपको गिन करके 11 तुलसी के पत्ते भी लेने हैं। बजरंग बली महाराज को बूंदी के लड्डू और 11 तुलसी के पत्ते बहुत ही प्रिय है। मानकर चलिए दोस्तों, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो कोई भी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, निश्चित रूप से बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। लाखों रुपए जिस बीमारी में आप सभी खर्च कर चुके हैं, एक दिन के अंदर आपको उसमें लाभ प्राप्त होगा। आप सभी को बीमारी से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही हनुमान जी का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होगा कि आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसी बात पर कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय बजरंग बली। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। बात करती हूँ तीसरे महा उपाय की, नौकरी प्राप्ति का महा उपाय है दोस्तों। जिस भी व्यक्ति ने पूरे मन और विश्वास के साथ चैत्र मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लिया तो निश्चित ही उसकी नौकरी लगना तय है। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर चाहे आप कितने ही कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, बिल्कुल आपकी सरकारी नौकरी या जो भी नौकरी आप प्राप्त करना चाहते हैं वो निश्चित ही लगेगी। बस पढ़ाई करना और इस उपाय को कर लेना। चाहे आप दिमाग से कितने ही कमजोर क्यों ना हो, आपकी नौकरी लगना बिल्कुल ही तय है। क्या करना है, चैत्र मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं और वहां पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना कि मिट्टी का जो दीपक है वही आप लेकर जाएं। पहले इस्तेमाल ना हुआ हो ऐसा दीपक आपको लेना है। चमेली के तेल को भी साथ में लेकर जाइएगा। हनुमान जी महाराज जी के मंदिर में आपको चमेली के तेल का एक दीपक जलाना है। यहाँ पर आपको गिन करके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आपने ये उपाय चैत्र मंगलवार के दिन कर लिया तो आपको खुद ये देखने को मिलेगा, जिस नौकरी के लिए आप तरस रहे थे, परेशान हो रहे थे, तैयारी कर करके थक चुके थे, एक नंबर दो नंबर से रह जा रहे थे, सिर्फ अपनी किस्मत की वजह से इस उपाय से आप बिल्कुल पार लग जाएंगे। नौकरी, मन चाही नौकरी की आप सभी को प्राप्ति होगी। इसी के साथ चैत्र मंगलवार के दिन अगर आप पूरे मन से छोटी सी भी पूजा कर लेते हैं, हनुमान जी के सामने एक सरसों के तेल का दीपक या चमेली के तेल का दीपक किसी भी मनोकामना के साथ भी अगर जला देते हैं मंदिर में जा करके, तो भी आपकी हर प्रकार की मनोकामना को आप सभी पूर्ण कर सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए भी आपको चमेली के तेल का एक दीपक जलाकर 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और आपका कितने ही बड़ा से बड़ा कर्ज क्यों ना हो, कर्ज से बिल्कुल ही मुक्ति हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस नवरात्रि पर 9 अप्रैल और 16 अप्रैल चैत्र मंगलवार के दिन आप सभी इन उपायों को जरूर करेंगे। फिर भी आपके मन में अलग से कोई समस्या है तो वो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, उसके लिए मैं आप सभी को उपाय भी बताऊंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन तुरंत प्रेस कर दीजिए।